उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास एक प्राचीन पौराणिक व ऐतिहासिक नगर है बिठूर। बिठूर 1857 की क्रांति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण नाम है। इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए ये नाना साहब और तात्या टोपे की धरती कहलाती है। यही पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बचपन बीता था। ये वो धरती है जहां सैकड़ों स्त्रियों द्वारा दिया गया बलिदान दफन है। यहां 1857 में देश को आजादी कराने की सबसे बड़ी जंग छिड़ी थी। चारों तरफ क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध मुहिम छेड़ दी और जंग के मैदान में कूद पड़े। हालांकि अंग्रेजों के खदेड़े जाने के महज 17 दिन बाद अंग्रेजों ने एक बार फिर कानपुर पर कब्जा कर लिया। इसी दौरान नाना साहब अदृश्य हो गए। नाना साहब गुप्त रूप से फर्रुखाबाद में शाहजी की विश्रांतों में रहा करते थे। विभिन्न स्थलों के क्रांतिकारी यहां आते व योजनाएं बनाते। फर्रुखाबाद के प्रसिद्ध क्रांतिकारी रामनारायण आजाद गुप्त रूप से नाना के रहने व भोजन का प्रबंध करते थे। इसी दौरान हरदोई के राजा हरदेव सिंह ने गंगा में रिवर स्टाम्प कांड को अंजाम दिया, जिसमें फतेहगढ़ किले में सभी अंग्रेजों को बोट पर कानपुर पहुंचाने के बहाने बीच गंगा में डुबो मार दिया गया। शेष जो बचे थे उन्हें कानपुर में मरवा गंगा में फेंक दिया गया, जिसे चौरा चोरी कांड नाम से जाना जाता है। 2005 में बिठूर के नानाराव पेशवा स्मारक में कानपुर संग्रहालय स्थापित हुआ। ये संग्रहालय अंग्रेजों व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष की गाथा सुना रहा है। इस संग्रहालय में उस समय की तलवारें, बंदूकें व अन्य चीजें रखी गई है। फतेहगढ़ किले में नवाब तफज्जुल खान के कमरे से एक पेंटिंग मिली थी, जिस पर उस समय के क्रांतिकारियों की खूबसूरत पेंटिंग बनी हुई थी। इससे पता लगता है कि नवाब फर्रुखाबाद इनसे अत्यधिक उत्साहित थे। सभी अंग्रेजों के विरुद्ध कार्यरत थे। बिठूर की यह वीरभूमि वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की याद भी दिलाती है। बिठूर गंगा किनारे यूपी का एक अत्यंत प्रतिष्ठित पौराणिक स्थल है। आगे हम इन स्थलों के बारे में भी जानेंगे।